गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? बट मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि आज आप में से कुछ लोग मुझे इतना परेशान करके रख दिए हैं, जिसकी वजह से मैं आज इतनी लो एनर्जी फील कर रही हूँ। इतनी लो में मैं चली गई हूँ, मतलब मैं ऐसी लो एनर्जी में कभी भी नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि मेरी इस बात को आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक कहावत है ना कि एक अच्छा इंसान के साथ हमेशा क्यों बुरा होता है, उसी चीज़ को आज मैं पर्सनली फील भी किया है, ठीक है, जो मुझे अंदर से बहुत हर्ट भी किया है। एंड यस, एक लेसन भी मुझे मिली है आप लोगों से कि किसी को इतना हेल्प नहीं करना है कि आप खुद प्रॉब्लम में आ जाओ। तो गाइस, ये जो चैनल है, ये चैनल मैं इसलिए क्रिएट किया था ताकि मुझे मेरी जर्नी से जो भी एक्सपीरियंस मिला है, मैं वही सारे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड जो भी ट्विन सोल्स अपनी जर्नी में कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं, कहीं पर आप अगर ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा गाइड कर सकूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। ओके, क्योंकि दूसरों को हेल्प करना ही एक सोल पर्पस होता है, राइट? एंड इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पहले कोई भी पर्सनल गाइडेंस नहीं देना चाहती थी और अपना नंबर को यहाँ शेयर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं दूसरी जॉब में हूँ, ठीक है। बट आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट किए कि मैम हमें अर्जेंट सेशन चाहिए आपसे, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अगर आप लोगों को अर्जेंट सेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर दूं, अगर मुझे फ्री टाइम मिले तो। पहले तो मैं सेशंस का कोई भी चार्जेस नहीं लेती थी, मैं सबको फ्री सेशंस देती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक सोल पर्पस है, तो लोगों को हेल्प करना ही मेरा एक सोल पर्पस है, ठीक है। जिन्होंने फ्री सेशंस लिया है उन लोगों को ही पता होगा कि मैं पहले उनसे कितना बात करती थी, कितना गाइडेंस उनको देती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे आप लोग बहुत सारे आप लोग ही कॉल्स आने लगी और बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत सारे रैंडम टेक्स्ट आने लगी, रैंडम कॉल्स आने लगी, तो आप खुद ही बताइए कि मैं दूसरी जॉब में हूँ, और अगर मतलब आप एक दिन में अगर मुझे 100 बार कॉल करेंगे, 100 कॉल्स आएंगे, तो मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी। और आज आप लोगों ने इसका तो हद ही पार कर दिया, मतलब आज दिन भर मुझे इतना कॉल्स, इतना टेक्स्ट आ रही है, मतलब मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों की इतने सारे मैसेजेस देख के मेरा पूरा दिमाग पूरा ख़राब हो रहा है। और मैं आप लोगों की भी बोल रही हूँ कि मैं इवनिंग में फ्री होंगी, तो जब मुझे फ्री टाइम मिलेगी तो मैं आप लोगों से बात कर लूँगी, पर आप लोगों में से कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स हैं, मतलब आपको क्या, मतलब फ्री में सेशंस में दूंगी और आप ऊपर से मुझे ऐसे ऑर्डर करेंगे कि नहीं मैम मुझे आपसे अभी बात करनी है, क्योंकि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मेरा पर्सन का कॉल नहीं आ रहा है और मेरा सर पूरा फट रहा है उसे याद कर करके, मैं क्या करूँ? अरे भाई, आपकी पर्सन है, आपको मैं बोल रही हूँ, आप मतलब आपको मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपना हीलिंग कीजिए, अपना मेडिटेशन को कीजिए, और आप वही सब वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इधर आके बोल रहे हैं कि मैम मेरा पर्सन का कॉल नहीं आ रहा है, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। मैं यहाँ क्या फ्री में बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए? मेरा कोई काम धंधा नहीं है। अगर आपको फ्री चाहिए ना, फ्री में कुछ चाहिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो है, आप उस वीडियोज़ को देखिए और आपने इनोवा को कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको मैं कैसे हेल्प करूँगी? आपके लिए मेडिटेशन मैं नहीं कर सकती, आपके लिए अपना इनर वर्क मैं नहीं करूँगी, ठीक है, आपको ही अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, ओके। एंड जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों को 2-4 बार फ्री में गाइडेंस दे चुकी हूँ, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी काइंडनेस का फ़ायदा उठाएँगे और जब भी आपकी मन करे आप मुझे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं आप लोगों की वजह से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी मेरी जर्नी में हूँ और मैं भी अपना इनोवा का, अपना मेडिटेशन, अपना हीलिंग को डेली डेली करती रहती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओके। एंड एक फेमिनिन डेली डेली अपना एक्सक्यूजेस को देती रहती है कि मैम मेरी बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइज़ है, मेरी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स है, और जब मैं मेडिटेशन करने जाती हूँ तो बाहर बहुत धूप होती है, तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो मेडिटेशन मैं कैसे करूँ? अरे भाई लोग, मेरी बैकग्राउंड में भी बहुत सारे नॉइज़ है, ठीक है, आप लोग वीडियो में सुन पा रहे होंगे, ठीक है, फिर भी मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, अपना इनर वर्क करती हूँ, अपने आप को हीलिंग करती हूँ, ठीक है।
तो आप लोग अगर ऐसे एक्सक्यूजेस को लेकर आएंगे कि मेरी बैकग्राउंड में नॉइज है, इसी चीज़ की वजह से मैं अपना मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, अपना इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आप खुद को चीट कर रहे हैं। तो मैं आज से आप लोगों को कोई भी फ्री सेशंस नहीं देने वाली हूँ, ओके? क्योंकि लिटरली मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मतलब ये सब क्या एनर्जी में फील कर रही हूँ, मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मैं कुछ अलग सी वीडियो बनाने वाली थी, मतलब यूनियन की एक एनर्जी में रिसीव किया था कल से, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली थी। पर आज ये सब मुझे क्या, मतलब ये सब कौन सी एनर्जी में रिसीव किया जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस नेगेटिव वीडियो, बट इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, ठीक है? एंड जिन लोगों को अर्जेंट सेशन चाहिए, आप लोग पहले सेशन बुक कीजिए। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे रैंडम कॉल एंड रैंडम टेक्स्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को ब्लॉक करने में मजबूर हो जाऊंगी, ओके? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, ओके? होप यू अंडरस्टैंड।